तो जी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए एक और अपडेट्स लेके आए हैं। तो जी दोस्तों, आज ये जॉब की अपडेट नहीं है, एक्चुअली ये अपडेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईटीआई पॉलिटेक्निकल और बीटेक के बाद सीटीआई या आई मीन सीआईटीएस करना चाहते हैं। तो भाई उनके लिए एक अपडेट है। तो भाई CITF 2021 का जो प्रोस्पेक्ट है वो और जो एग्ज़ाम पेपर फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो आज से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो कुछ इस तरह से ये इसके लिए फॉर्म है, साइट्स वगैरह मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये बने रहिए आप हमारे साथ इस तरह। तो दोस्तों, ये जो साइट आप देख रहे हैं निम्मी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन और एक लिंक दी है निम्मी डॉट जी ओ बी डॉट इन और एक DGT.GOV.IN। दोस्तों, इन साइट्सों पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो रजिस्ट्रेशन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 19/7/2021, आई मीन कि 19 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है और 2 अगस्त 2021 तक 5 बजे तक ये उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। और जो इसका एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो 20 और 21 अगस्त को होगा, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो आपको सबको पता ही है, NTC, NAC, डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम ए बोर्ड और किसी भी बोर्ड से, मतलब आपकी डिप्लोमा डिग्री और ITI होनी चाहिए या तो आपके पास अप्रेंटिसशिप की होनी चाहिए, SCBT और COE जिसके थ्रू जो लोग अपनी ITI कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। और जो बात करते हैं इसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो दोस्तों इसकी जो फीस रखी गई है वो ₹500 जनरल स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है और ₹300 रखी गई है SC ST और EWS के लिए और वोमेन के लिए। तो दोस्तों, आप अपनी फ़ीस नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस दिया गया है, पैटर्न दिया गया है, वो इस कुछ इस तरह से दिया गया है। तो दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा और जो इसकी जो लिखी रखी गई है 75% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 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 ट्रेड से होंगे, जिसकी भी जो ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और 25% क्वेश्चन आपके लॉजिकल न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग के होंगे, मतलब कि जनरल नॉलेज हो गया इसमें आपका, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया। दोस्तों, अपनी पूरी तैयारी अच्छे से करें और अपना वो फॉर्म फिलअप करें। और बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की, जैसे कि आने वाले टाइम पे इसका जनरल फीस स्ट्रक्चर क्या रखा जाएगा। तो जो दोस्तों, आपकी जो एडमिशन फीस होगी वो ₹100 होगी और प्राइवेट प्राइवेट के लिए ₹100 है और प्राइवेट SC ST के लिए ₹25 रखी है। रजिस्ट्रेशन फीस के इसमें कोई नहीं लगेगी, गवर्नमेंट जो जैसे भी कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह कर रहा है और प्राइवेट जनरल जैसे कि कोई स्टूडेंट करता है तो वो उसमें काउंट होता है, तो उसके लिए 50 रखी गई है और SC ST वालों के लिए कुछ नहीं रखी गई। कुछ इस तरह से दोस्तों ये इसका फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। तो आपकी जो टोटल टोटल फीस है वो लगेगी, जो डिपोटेड जैसे कोई इंस्ट्रक्टर है उसकी ₹570 लगेगी और जैसे कोई कैंडिडेट कर रहा है जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट उसकी ₹1520 लगेगी और SC ST के लिए ₹620 लगेगी। तो कुछ इस तरह का दोस्तों ये फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। ये आप लिंक देख रहे हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपने दे दूंगा और आप अपना फॉर्म फिलअप करें। और थोड़ी सी बात करते हैं इसकी दो डेट्स दी गई हैं उनके बारे में। 19 जुलाई से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है, 2 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, 9/8/2021 को से लेके 16/8 तक आपका मॉक एग्जामिनेशन होगा। और जो आपको एडमिट कार्ड है वो 9 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच में वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे और 20-21 तारीख को आपका एग्जामिनेशन होगी। और सेंटर नीचे दिए गए हैं वो मैं आपके पास शेयर करूंगा। 26 तारीख को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा और 31 तारीख से लेके 31/8/2021 से लेके 4/9/2021 तक इसकी पहली काउंसलिंग होगी और 6 तारीख से लेकर 6/9/2021 से लेके 11/9/2021 तक इसकी सेकंड फेज होगा काउंसलिंग का, 14/9/2021 से लेके 18/9/2021 तक इसका थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा। दोस्तों, ये आपके सेंटर दिए गए हैं। तो हमारे हिमाचल वालों के लिए भाई शिमला का सेंटर है, तो वो हिमाचल वाले अपना शिमला का सेंटर लगा सकते हैं। वैसे इसमें सेंटर की हमें 3 सेंटर हम चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की ये अपडेट थी और ट्रेड नीचे दिए गए हैं। इसका जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए हिमाचल फॉर एवर के साथ। और भाई सभी हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं, उनके सबसे यही विनती है कि भाई
जिसने आईटीआई की है वो कृपया करके सीटीआई कर लें, आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा इसका स्कोप्स है। तो कुछ इस तरह से है, और इसका पूरा प्रोस्पेक्ट का जो पूरा है मैं पूरा नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह की अपडेट के लिए आप हिमाचल फॉर एवर के साथ बने रहिए, और आप हमारा दूसरा ब्लॉगिंग का वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक बार भी पक्का करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, आपका दिन शुभ रहे, जय माता दी।